बट जैसा कि कई कल भी आप हो रहे थे कि कल यहाँ पे एक राइडर की डेथ हो गई थी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से। हमने बहुत ज्यादा शॉर्टकट लिया है यार, यहाँ से श्योक विलेज रह गया 15 किलोमीटर और अभी रोड थोड़ा सा डेंजरस हो गया है। गुड मॉर्निंग लड़के। गुड मॉर्निंग। सांस नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेलकम, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम फ्रॉम पैंगोंग तासो लेक। आज है अपनी राइड का पांचवा और छठा दिन। पैंगोंग तासो लेक में रुके हैं, सुबह के 7 बज रहे और ऐसा लग नहीं रहा कि सुबह के 7 बजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनी हो गया है यहाँ पे। एक चीज़ ऑब्जर्व किया यार हमने कि लेह लद्दाख में ना सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है। और अभी सुबह सुबह उठकर क्या किया जा सकता है यहाँ पे, सीधे पैंगोंग लेक के पास जाकर थोड़ा सा मोमेंट को एंजॉय किया जा सकता है यहाँ पे। हम तो यहाँ पे आए हैं सुबह सुबह का व्यू एंजॉय करने और काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन भी आ रही है पीछे से। देखोगे ये चेक करो यहाँ पे, चेक दिस आउट यार। एक यहाँ पे, एक दो वहाँ पे, वो देखो उधर। आज का प्लान ये है कि आज निकलना है डिस्किट की तरफ हुंडर, वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है, उसके बाद खारदुंगला हो गया वापस लेह की तरफ। अभी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। और एक और चीज़, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाइट वाइट सा सरफेस, ये नमक है सारा का सारा। मेरा भी 86 है, मतलब सही है, ठीक है। 188 है, 132। हाँ 88 है तेरा, सही है, परफेक्ट है तेरा भी, सही है। तो यार अपनी ऑक्सीजन तो बिल्कुल परफेक्ट है, 88 और 132 हार्ट बीट। बट जैसा कि कई कल भी आप बोल रहे थे कि कल यहाँ पे एक राइडर की डेथ हो गई थी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से, और साथ वाला सीरियस है, मतलब यार लाइफ के साथ। जब भी आओ, जब भी आओ ना, मैं बोल रहा हूँ 2-3 दिन होल्ड करो यार लेह पे, क्यों एक्लेमेटाइज होना चाहिए इंसान को, उसके बाद इतने हाई एल्टीट्यूड पासेस पे आना चाहिए बॉस। लाइफ का क्या करते हैं ना, बंदे करते हैं डायरेक्टली फ्लाइट करते हैं, लेह पहुंचते हैं, लेह से डायरेक्टली पैंगोंग, और पैंगोंग में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। एक्लेमेटाइजेशन बहुत जरूरी है बॉस, घूमने तुम आ रहे हो लेकिन अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लिटरली सी बात है, सीधी सी बात है। हमारी ऑक्सीजन लेवल परफेक्ट है, गौरव का परफेक्ट है, मनी का परफेक्ट है, हम रेडी टू रोल। नाम है आपका कंपनी का कुछ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिगमेत। जिगमेत, हाँ। आप इधर से ही हो क्या? हाँ इधर से। कहाँ पे विलेज आपका? मतलब लेह से। लेह से हो आप भी? लेह के आसपास। तो आप बता दो कुछ है आपकी कंपनी का नाम या कुछ इनका कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7051578434। जो बोला है पॉज करके आराम आराम से सुन लेना नीचे और भी किसी को आना हो पैंगोंग लेक तो जरूर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और भाई की सबसे अच्छी बात है, भाई ऑक्सीमीटर भी साथ में रखता है, क्लाइंट का सबसे अच्छे से ध्यान रखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का भी उनके पास, ये बहुत जरूरी है बॉस। अपने ऑक्सीजन यहाँ पे तो बॉस ऐसी चीजें होती रहती है, तो बॉस प्रे करता हूँ यार राइडर के लिए कि यार भाई डेथ इज अ वेरी सीरियस मैटर यार। चलो कोई नहीं यार, लाइफ में होती रहती चीजें। अभी निकलते हैं राइड की तरफ, किस साइड से राइड शुरू करते हैं आज की बहुत अच्छे नोट के साथ, चलो। सो अब पैंगोंग लेक का सफर इधर तक ही था, अब निकल रहे हैं यार डिस्किट की तरफ हुंडर पनामिक विलेज, और शाम को जाएंगे खारदुंगला होके वापस लेह सिटी। और अभी एक बात जो है बहुत सीरियस सी चीज़ है जो कि भाई से सुनने को आई है, बिना प्रिपरेशन के मत आओ यार। यहाँ पे पैंगोंग में ही डेथ हो गई किसी की, राइडर की, और साथ वाला बहुत सीरियस है,
मतलब कि उन्होंने मजाक लिया। देखो यार एक्लेमेटाइज होना जरूरी है बहुत, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ, साथ में ऑक्सी वाली एक मेडिसिन आती है वो लेकर आओ, पानी पीते रहो जितना पी सकते हो बहुत। हम साथ में लेकर बॉटल चलते हैं, देख रहे हो पीछे, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो बॉटल, ये गर्म पानी की बॉटल है, तो ये लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, होंठ सूख जाएंगे आपके यहाँ पे। तो मजाक मत लेना, एंजॉय करना डेफिनेटली आकर, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। अभी इसी प्यारे से नोट के साथ इस पैंगोंग लेक को, प्यारी सी पैंगोंग लेक को, ब्यूटीफुल व्यू को, बाय बाय। तो आया यार रात को, यहाँ पे ठंड थी अगर आप बाहर आते, लेकिन कैंप्स के अंदर ठंड नहीं थी। हम उन लकड़ी वाले जो सामने देख रहे हो ना कैंप्स, उसमें रुके थे। लकड़ी से हवा पास नहीं होती तो अंदर कोजीनेस थी, अगर टेंट होता तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती। हमने पे किए यहाँ पे 3700 रुपीज़ 3 लोगों के लिए, और खाना इंक्लूडेड था उसमें। तो आई वुड से यार इस जगह के लिए और यहाँ तक जो सामान आते हैं यार, कैरेज बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो बहुत परफेक्ट था, अच्छा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, मज़ा आया इस लोकेशन पर भी। लेकिन अगली बार जब भी आऊँगा ना मैं, तो या तो ट्रायम्फ टाइगर में आऊँगा या फिर BMW 1250 GS, वहाँ से शुरू होती है ये पैंगोंग लेक, और ऊपर प्यारे प्यारे माउंटेन्स वहाँ पे देख रहे हो, वो एक विलेज है। तो वो विलेज अपना जो कैंप का मालिक था, जिससे हमने कैंप लिया था ना, उसका वो वाला विलेज है वहाँ पे। ये वाली देखो यार जगह, यहाँ पे ना 3-4 कलर है, एक स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, आगे अलग सा ही कलर है। तो या तो ये रिफ्लेक्शन को कैच करती है ये रिवर, सॉरी ये लेक, या फिर ये करिश्मा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नमक नमक है, इसका मतलब यहाँ तक आता है पानी, इधर इधर तक पानी आता है बस। ऑफ रोड शुरू हो चुका है, और थोड़ा सा स्लशी ऑफ रोड है। और ये वाला पैच देखो यार, वाओ, आई मीन वाओ। तो ये वाला पैच जो है ना, ये भी एक लेक में ही कन्वर्ट हो जाता है जब ऊपर सारे पहाड़ों में बर्फ़ पड़ती है ना, और वो गल कर इधर इकट्ठी हो जाती है इन मैदानों में, बहुत ही बेहतरीन लगती है उस समय। ऑफ रोड करने का मज़ा ये लगे यार। यहाँ पे लद्दाख में ना, आप जितना सेडल करो उतना कम है, और छोटी सी यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग आती हुई, आराम से निकालेंगे हम। हाँ निकल गया, वाटर क्रॉसिंग की तो अब आदत सी पड़ गई है यार। जैसे कि देख ही पा रहे होंगे, और सीनिक व्यू तो है ही है, और कर्व्स देखो यार, मतलब राइड करने में इससे ज्यादा मजा मुझे आज तक कभी आया ही नहीं है। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, ये वाओ, ये देखो यार कॉर्निंग करने में जो मजा है ना यहाँ पे, आई लव दिस, लव दिस मैन। ठीक है ठीक है, ओके जी। सो कल आए थे हम वहां से, उस वाले रोड से, आज हमने सोचा कि कुछ अलग एक्सप्लोर करते हैं, तो हम इस तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पे है आर्मी बेस, तो पूरा आर्मी एरिया है यहाँ पे, देख रहे हो आर्मी के ही ट्रक्स है। तो बस हम सीधे जा रहे हैं, आर्मी का इलाका है ये पूरा का पूरा। बुक जो विलेज है ना वो तो उधर है लेफ्ट हैंड साइड में अपने, हम इस ट्रेल को पकड़ के जा रहे हैं, रोड काइंड ऑफ थिंग है, छोटा सा रोड है, और आगे विलेज भी है। तो अब देखते हैं यार, आगे कोई क्रॉसिंग नहीं है उस लेफ्ट हैंड साइड को दुर्बुक विलेज की तरफ, तो अब आगे देखते हैं डिस्किट विलेज के लिए कहाँ से अपने को रास्ता मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो वापस आना पड़ेगा। अगर होगा आगे कोई पुल वुल तो हम क्रॉस करके देखते हैं, लोकल से पूछते हैं। अभी थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड जगह को एक्सप्लोर करने का टाइम है, क्योंकि सभी के सभी लोग उधर से ही जा रहे हैं, अपन इस जगह से आ रहे हैं, यहाँ पे कोई राइडर नहीं दिख रहा हमें, तो तभी हमने सोचा कि लेट्स फाइंड आउट कौन सा विलेज है यहाँ पे।
और क्या हम निकल पाते हैं नुब्रा वैली इस रोड से। ऐसे रूट पकड़ो जो अनडिफाइंड हो, हम ही थोड़ा बहुत खोजे ऐसे। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, हरा 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 भरा ठंडा ठंडा पानी और एक ऑफ रोड पैच। कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं हम, गांव गांव के बीच। दुर्बुक गांव आज फुल ऑन एक्सप्लोर हो गया ये सारा का सारा गांव के अंदर से ही हम आ रहे हैं और अब जस्ट ढूंढ रहे हैं यार एक पैसेज जो कि हाईवे तक निकले। ये देखो ये है यहाँ पे, ये है वे, ये है पुल। लुक एट इट यार, आई मीन यहाँ की गाय जो है वो चिल कर रही है एकदम, बहुत प्यारे से व्यू में। लोकल से पूछने पे पता चला हमें कि ये वाला जो रास्ता है ये भी नुब्रा वैली की तरफ ही जाता है, श्योक रिवर की तरफ, और जो मेन हाईवे है वो भी इसी में ही कनेक्ट होगा आगे। तो उन्होंने कहा कि यार यहीं से ही जाओ, ये वाला शॉर्टकट है। अब देखते कितना शॉर्टकट है, हमने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लिया है यार। यहाँ से श्योक विलेज रह गया 15 किलोमीटर, अगर जाते मेन NH से तो वहाँ से 40 किलोमीटर दिखा रहा था, मतलब कि गांव गांव से आते हुए ना हमने 20-30 किलोमीटर, हमें खुद नहीं पता बट हम गांव गांव से आते रहे और हमारा शॉर्टकट हो गया। अब आगे श्योक विलेज आएगा 15 किलोमीटर, वहाँ पे देखते रुकते हैं चाय वाले के लिए। चल ओके, सो नया ब्रिज बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे चेतावनी लिखी थी कि स्टोन्स प्रोन एरिया, मतलब कि पत्थर कहीं से भी कभी भी गिर सकते हैं, तो कृपया आराम से चलिए। और वो दिख रहा है सामने वो वाला पैच, देख रहे हो तुम, वहाँ पे ऐसे पत्थर है ऐसा लग रहा है कि कभी भी गिर सकते हैं। अरे यार कितने सारे पत्थर, नीचे से ये नया रोड बन रहा है DBO 245, ये नीचे वाला, और ऊपर से वही पुराना रोड, और सामने जाम दिख रहा है, और ऊपर देखो यार कच्चे कच्चे पत्थर है बहुत से, कभी भी गिर सकते हैं यार ये सीरियसली मतलब। ऑलराइट जी, सो राइड करते करते पैंगोंग लेक से अभी पहुंच गए हम, श्योक विलेज से 5-10 किलोमीटर पीछे है। और मैं यार ये वैली दिखाना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों को, डिफरेंट वैली, मतलब हर 15 मिनट में यहाँ पे वैली चेंज हो रही है, दिखाता हूँ यार। ये चेक करो यार, हम ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ वहाँ पे यार, मुझे लद्दाख का समझ नहीं आता, हर 10 मिनट में यहाँ पे सीन्स चेंज हो जाते हैं, नज़ारे चेंज हो जाते हैं और आंखें, मतलब मज़ा ही आ जाता है यार, हर चीज़ को रिकॉर्ड करने का मन कर रहा है मेरा अभी, बट क्या करूँ, हर चीज़ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हैं मनी, कैसी है जगह यार? यार मेरे को भरोसा नहीं हो रहा, मैं जिंदा होके अपनी आंखों से ये सब कुछ देख पा रहा हूँ, बहुत खतरनाक। नुब्रा वैली की तरफ जा रहे हैं अभी, और अभी रोड थोड़ा सा डेंजरस हो गया है, यहाँ से अपने को जाना है ऊपर थोड़ा आराम आराम से। ओ बॉय, ओ दिस वैली इज समथिंग डिफरेंट मैन। ये है श्योक विलेज, वाओ 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 वाओ,
बहुत सारे zigzag अपने साथ यही चल रहा है 6-7 दिनों से। पहले एक पास चढ़ो फिर उतरो, वो देखो पूरा हरा भरा जो दिख रहा है ना सारा का सारा, ये है श्योक विलेज। छोटा सा विलेज है बट प्यारा है। और ये श्योक रिवर जो सामने से जा रही है। वेलकम टू नुब्रा वैली। नीचे कहाँ को जाता है ये? डीबीओ, डीबीओ बड़ा सुना है। लिखा भी है वेलकम टू नुब्रा वैली, वेलकम टू नुब्रा वैली ले लद्दाख इज 165 खारदुंगला इज 100 कितना है? कहाँ लिखा है 100 कहाँ दिखा? अच्छा 105 किलोमीटर है। नुब्रा वैली में हम एंटर कर चुके हैं, ये सारी की सारी आगे नुब्रा वैली है। और बोला तो ऐसा है पेट्रोल पंप है वहाँ पे, नुब्रा वैली है ये, तो अभी देखते हैं आगे। नुब्रा वैली पेट्रोल नहीं है, मुर्दा वैली है। मुद्रा वैली, यहाँ पे लोगों का मुत्र मुर्दा होता है। यहाँ पे भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, लिटरली बता रहा हूँ। बहुत डेंजरस रोड है यार। एडवेंचर।